दोस्तों, यदि आप भी अपने मोबाइल के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन व्योम एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग व्योम एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई आईडी क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसे कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में व्योम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और इसमें लॉग इन पिन डालकर लॉग इन हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर व्योम एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। अभी हमें यहाँ पर यूपीआई आईडी क्रिएट करना है, तो इसके लिए यहाँ सबसे ऊपर में अकाउंट होल्डर का नाम दिया है और यहाँ नीचे लिखा है क्रिएट यूपीआई आईडी। तो यूपीआई आईडी बनाने के लिए हमें इसी पे क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर एक यूपीआई आईडी जनरेट हो चुका है और ये यूपीआई आईडी हमारे सेविंग अकाउंट के साथ लिंक रहेगी। नीचे लिखा है प्रोसीड, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, ये यूपीआई आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। अभी अभी जो यूपीआई आईडी हमने क्रिएट किया है वो यूपीआई आईडी यहाँ पे है, लेकिन केवल यूपीआई आईडी बनाने से काम नहीं बनेगा। हमें इस यूपीआई आईडी से किसी के पास पैसे ट्रांसफर करने के लिए या फिर बिल का पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत पड़ेगी। तो यूपीआई पिन बनाने के लिए यहाँ देखिए लिखा है मैनेज, इस पर क्लिक करेंगे। मैनेज में क्लिक करने के बाद हम एक नए पेज पे पहुंचे हैं। यदि हम पेज को थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं तो यहाँ नीचे में कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से यहाँ देखिए एक ऑप्शन है सेट भीम यूपीआई पिन, इसी पे हमें क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ लिखा है सेट पिन और नीचे में लिखा है डेबिट कार्ड वैलिडेशन। तो हमें यहाँ पर अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 अंक डालना है और नीचे में अपने डेबिट कार्ड का एक्सपायर डेट डालना है। डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 अंक तथा एक्सपायर डेट डालकर यहाँ सबसे नीचे से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो हमारे बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ इंटर ओटीपी इसमें डालना है। देखिए, ओटीपी को जैसे हमने डाला, यहाँ पर राइट का निशान लग चुका है। अब यहाँ नीचे डालना है अपने डेबिट कार्ड का 4 अंकों का एटीएम पिन, ये सब डालकर यहाँ सबसे नीचे राइट के निशान पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिख दिया सेट यूपीआई पिन। अपनी इच्छा से कोई भी 4 अंकों का यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। यूपीआई पिन सेट करके यहाँ नीचे से राइट के निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है कन्फर्म यूपीआई पिन, तो जो यूपीआई पिन अभी अभी हमने सेट किया है वही सेम यूपीआई पिन यहाँ कन्फर्म यूपीआई पिन इसमें भी डालना है। कन्फर्म यूपीआई पिन डालकर राइट के निशान पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया यूपीआई पिन हैज बीन सेट, यानी हमने यहाँ पे व्योम एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई आईडी भी क्रिएट कर लिया है और यूपीआई आईडी से पैसे ट्रांसफर करने के लिए 4 अंकों का यूपीआई पिन भी सेट कर लिया है। अब चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ से बैक करते हैं, यहाँ दिया है रिक्वेस्ट बैलेंस। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब हमें यहाँ पर डालना है जो हमने अभी अभी 4 अंकों का यूपीआई पिन बनाया है, उसी यूपीआई पिन को अभी हमें यहाँ डाल देना है। यूपीआई पिन डालकर नीचे राइट के निशान पे क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर इंतजार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे अकाउंट का बैलेंस आ चुका है 1580 रुपया 40 पैसा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग भी व्योम एप्लीकेशन में मात्र 2 मिनट में ही एक नया यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं और यूपीआई आईडी बनाने के साथ ही साथ यूपीआई से किसी के पास पैसे ट्रांसफर करने के लिए या फिर बिल का पेमेंट करने के लिए 4 अंकों का यूपीआई पिन भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।